28 हथियार मामले में दो और लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। एनआईए ने जिन पर आरोप पत्र दाखिल किया है उसमें नक्सली अग्नु मंजू उर्फ अग्नु गंजू और खुदी मुंडा शामिल हैं। एनआईए ने दोनों को ही भारतीय दंड विधि शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत दायर आरोप पत्र में नामित किया है। एनआईए की रांची स्थित विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र में जांच एजेंसी ने बताया कि शीर्ष नक्सली 1 करोड़ के इनामी पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ बूढ़ा की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए ही नक्सली बुलबुल जंगल में जुटे थे ताकि वे सुरक्षा बलों पर हमला कर सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए एनआईए ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है नक्सलियों के विरोध में, क्या पूरी जानकारी? देखिए, लगातार जो एक तरफ नक्सली के खिलाफ झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ और कोबरा, वहीं दूसरी ओर एनआईए का भी कार्रवाई तेज हो गई है, क्योंकि लगातार जो एनआईए जो प्रशांत जो जो केंद्रीय नक्सली के सदस्य हैं, तो उस मामले में दो नक्सली के खिलाफ एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है। तो एक ओर कहेंगे कि नक्सलियों को झटका लगा है, लेकिन दूसरी ओर लगातार नक्सलियों के खिलाफ इसके पहले भी एनआईए जांच की थी और 1 करोड़ इनामी जो प्रशांत ब्यूरो केंद्रीय नक्सली संघर्ष के ब्यूरो हैं उनके खिलाफ चार्जशीट हुआ था। तो कई मामले में नक्सली जो एक संगठन के द्वारा लगातार पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उस मामले को लेकर एनआईए जांच कर रही थी, तो उसमें बुलबुल जंगल में जो घटना हुआ था उसमें हथियार बरामद हुआ था, उस मामले में दो नक्सलियों के खिलाफ एनआईए के द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया है। अब देखना होगा कि आगे और कितने नक्सलियों के खिलाफ एनआईए चार्जशीट दाखिल करती है। जी रश्मि, चलिए बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।